हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम द इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल का सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है न्यू की मारी से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ होता है। इसके बाद वहाँ पे मायूमी आती है और मारी को शांत कराती है। इसके बाद मारी बोलती है, मायूमी तुम्हारे साथ है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इसके बाद मारी बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? इसके बाद शिवातासु बोलता है, मेरा नाम शिवातासु है। उसके बाद मारी बोलती है, मैं ये नाम याद रखूंगी। उसके बाद गुलुम का एक बंदा जिसका नाम होता है मोरिसाकी, वो बोलता है, शिवातासु ये बात याद रखना, मियुकी एक दिन हमारे ग्रुप में आएगी। और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो होनाका होती है वहाँ पे आती है और शिवातासु से माफ़ी मांगती है। शुरू शुरू में उस तासुआ को भैया बोलती है। इसके रिप्लाई में तासुआ बोलता है, तुम मुझे मेरे नाम से बोल सकते हो। इसके बाद होनाका बोलती है, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ के आऊँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट इवनिंग का सीन को दिखाया जाता है। शिबाता बोलती है, जब न्यू की अपना सीएडी का यूज़ कर रही होती है तब शिबातासु उसे एडजस्टमेंट कर रहा था। ये काफ़ी इम्प्रेसिव स्किल है। इसे सुनने के बाद बाकी जो मेम्बर होते हैं वो शिबातासु की तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद एरिका बोलती है, कोई मेरी भी तो तारीफ करो, मैंने कैसे उन बंदों को रोक दिया था। इसके बाद तासुओ बोलता है, वो काफ़ी अच्छा था और तुमने अपना सीएडी का यूज़ काफ़ी अच्छा किया है। इसके बाद एरिका बोलती है, ये सीएडी नहीं है लेकिन तुम इसे सीएडी बोल सकते हो। इसके बाद एरिका ये भी बोलती है, वो अपने सीएडी को छोटा और बड़ा भी कर सकती है। इसके बाद एरिका बोलती है, उसका जो सीएडी है उसका मेन पावर है वो है हेलमेट स्प्लिटिंग। इसके बाद मियुकी बोलती है, ये एक ज़्यादा यूनिक पावर है जो बहुत ज़्यादा कम लोग ही यूज़ कर पाते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे शिबातासु और मियुकी कहीं पे जा रहे होते हैं। वहाँ पे तब मियुमी आती है और इन दोनों को खाने के लिए इनवाइट करती है और बोलती है, मुझे मियुकी के साथ थोड़ी कॉन्वर्सेशन करनी है। इसके बाद शिबातासु और मियुकी प्रेसिडेंट के रूम पर आते हैं। प्रेसिडेंट उन्हें बोलती है, संभाल की कोई बात नहीं है, तुम आ सकते हो। इसके बाद वो जब आते हैं उसके बाद प्रेसिडेंट बाकी के मेंबर के साथ उन दोनों का इंट्रोड्यूस कराती हैं। पहले में जो होती है उनका नाम होता है रिन और सेकंड में जो होती है उनका नाम होता है मारी और थर्ड में होती है उनकी सेक्रेटरी नकाजो एचएन। इसके बाद नकाजो बोलती हैं, आप मुझे एचएन बोल के मत बोलो किसी छोटे ग्रुप के सामने। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट बोलती हैं, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे अभी नहीं है, उनका नाम है हैंजो। इसके बाद सब लोग खाने लगते हैं। इसके बाद न्यू की मारी का बॉक्स को देख के बोलती हैं, क्या आप खुद का बॉक्स खुद ही बनाते हैं? ये सुन के वो थोड़ा शौक हो जाती हैं। इसके बाद शिबातासु बोलता है, तुम्हारे हाथ को देख के मुझे पता चल गया था कि तुम घर से कुकिंग करती हो। इसके बाद न्यू की बोलती है, ऐसा ही है तो मैं घर से और भी लंच बॉक्स को लेके आऊँगी। इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। ये देख के रिन बोलती है, तुम दोनों किसी लवर्स की तरह बात कर रहे हो। बोलता है, अगर हम भाई बहन नहीं होते तो हम एक लवर्स होते। ये सुन के मियुकी थोड़ा शर्माने लगती है। उसके बाद शिबातासु बोलता है, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये सुन के सबका फेस थोड़ा डाउन हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सब लोग अपना खाना खा लेते हैं और जो प्रेसिडेंट होती है वो बोलती है, इस स्कूल में जो काउंसिल प्रेसिडेंट होती हैं वो इलेक्शन के माध्यम से ही चुना जाता है। प्रेसिडेंट बोलती हैं और बाकी के जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके बाद मायूमी बोलती हैं, मियुकी तुम क्या हमारे काउंसलिंग कमेटी में ज्वाइन करना चाहते हो? इसके रिप्लाई में मियुकी तासुओ की ओर देखती है और तासुओ अपना सिर को हिलाता है। इसके बाद मियुकी बोलती है, मैं चाहता हूँ मेरा भाई भी इस कम्युनिटी में ज्वाइन करे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और उसके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्कोर हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसके रिप्लाई में रिन बोलती है, ऐसा अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि जो सारे मेंबर्स हैं वो कोर्स वन के ही स्टूडेंट हैं और अगर हम ऐसा करेंगे तो ये स्कूल के रूल के खिलाफ होगा। इसके सुनने के बाद मियुकी उससे माफ़ी मांगती है। इसके बाद मायूमी बोलती है, ये एक खुशखबर है कि मियुकी इस ग्रुप में ज्वाइन करने वाली है। इसके बाद मियुकी इसके रिप्लाई में वो खुश होती है और अपने बारे में बोलती है कि वो अपनी एबिलिटीज़ की मदद से वो इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगी। इसके बाद जो मारी होती है वो बोलती है, मेरे डिसिप्लिन कम्युनिटी में कुछ बंदों की जगह है जो यहाँ पे आ सकते हैं। इसके बाद शिबातासु बोलता है, मुझे तो डिसिप्लिन कम्युनिटी के बारे में कुछ पता नहीं है उसमें क्या होता है। इसके बाद मायूमी बोलती है, डिसिप्लिन कम्युनिटी में
जो मेंबर होते हैं और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। इसके बाद तात्सुया बोलता है, अगर स्कूल में फाइट हो तो उसे रोकने के लिए हमें मैजिक को यूज़ करना पड़ेगा, बट मेरे पास तो प्रैक्टिकल स्किल में कम नंबर हैं। इसके रिप्लाई में जो मारी होती है वो बोलती है, अगर ऐसा ही है तो तुम्हें अपने फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से उन्हें रोकना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ पर बेल बजती है। इसके बाद प्रेसिडेंट बोलती है, इस चीज़ को लेके क्लास के एंड में बातचीत करेंगे। इसके बाद हमें एरिका को दिखाया जाता है जो अपने मैजिक पावर की मदद से अपने मैजिक पावर को चेक कर रही होती है। उसके बाद वहाँ पर शिवा तासु आता है और अपने मैजिक पावर को स्लो स्लो करके यूज़ कर रहा होता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मियुकी या शिवा तासु स्कूल काउंसलिंग के रूम पर जाती है, जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हानजो होता है। उसके बाद हानजो तासुओ को देख के उसे इग्नोर मारता है। इसके बाद मारी शिवा तासु को डिसिप्लिन कॉमन रूम में जाने के लिए बोलता है। इसके बाद जो हानजो होता है वो उसे इंटरप्ट करते हुए बोलता है। तब जो मारी होती है वो बोलती है, क्या हुआ हानजो, और उसके फुल नाम से उसे बुलाती है। जो सुनने के बाद हानजो थोड़ा शर्माया लगता है। इसके बाद मारी बोलती है, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन कार्ड में तो तुम्हारा पूरा नाम ही है। इसके बाद हानजो बोलता है, मुझे हथौड़ी हानजो ही बुलाना। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो हानजो होता है वो तात्सुया के एजेंट में होता है। इसके बाद जो मारी होती है वो बोलती है, शिवा तात्सुया का जो आई साइड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका जो मेमोरी पावर है वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, इसीलिए वो ये सब बोल रही होती है। इसके बाद मारी ये भी बोलती है कि तात्सुया के पास सीक्वेंस एक्टिवेट करने की भी शक्ति है। उसके बाद ये सुनने के बाद हानजो बोलता है, ये तो मुश्किल है क्योंकि वो करना तो इम्पॉसिबल है। उसके बाद वो ये भी बोलती है, इसलिए मैं तात्सुया को चाहती हूँ कि वो डिसिप्लिन कम्युनिटी में ज्वाइन करे। इसके बाद हानजो बोलता है, तात्सुया को तो मैजिक पावर यूज़ करना ही आता नहीं है। इसके बाद मियुकी बोलती है, तात्सुया इससे पहले भी एक फाइट लड़ चुका है और वो कभी नहीं हारा है। इसके बाद तात्सुया बोलता है, मैं डिसिप्लिन कम्युनिटी में नहीं आना चाहता हूँ, बट मैं आऊँगा क्योंकि मेरी बहन उसमें चाहती है। इसके बाद तात्सुया बोलता है, क्या तुम मुझे फेक फाइट में ले जा सकते हो? ये सुनने के बाद हानजो थोड़ा गुस्सा करने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों ही बैटल ग्राउंड पर चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पे जब मारी रेडी बोलने वाली होती है तब फाइट स्टार्ट होगा। इसके बाद मारी जब रेडी बोलती है तब हानजो अपने पाव की मदद से तात्सुया के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तब तात्सुया अचानक से उसके पीछे आके बहुत खतरनाक तरीके से उसे हरा देता है। इसके बाद हानजो सोचने लगता है, ये तात्सुया मुझसे जीत कैसे गया, इसके पास तो प्रैक्टिकल स्किल में ज़्यादा पावर नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है तात्सुया के पास जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी उसकी मदद से ही उसने इसे हराया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।